Hello students, I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 5 English, chapter 8, A Genie Whom No One Liked. Genie, have you heard story about Genie? Genie and his magic lamp. Do you know how Genie came out of the magic lamp? Magic lamp se Genie bahar kaise aata tha? When someone rubs the lamp, he would come out and say, "What is your wish?" And then he fulfill our wish. वो जब लैम्प से बाहर आता था तो आते ही पूछता था कि क्या इच्छा है आपकी, और फिर वो हमारी विशेस को पूरा करता था. But can you think a genie can be unhappy? क्या एक जीनी भी उदास हो सकता है? जब वो दूसरों की विशेस पूरी कर रहा है तो how can he be so unhappy? But in this story, Genie is unhappy. One day, a boy Pankaj found a magic lamp and he listened sad cries of Genie. Usne kya suna? Ki ek genie andar lamp mein ro raha hai. So let us see why Genie is unhappy. So let us start the story. A genie whom no one liked. Ek genie jise koi bhi pasand नहीं करता था. एक जिन जिसे कोई पसंद नहीं करता था. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जीनी. जीनी, जीनी मीन्स अ स्पिरिट विद मैजिक पावर, स्पेशली वन दैट लिव्स इन अ बॉटल और अ लैम्प. एक ऐसी चीज, एक ऐसी आत्मा जिसको कह सकते हैं, या फिर एक शक्ति जिसके पास मैजिक पावर्स हैं. और वो कहाँ रहता है? या तो बॉटल में या किसी लैम्प में. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जीनी, बट दिस पर्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. बट ये जो जीनी था ये किस लिए फेमस था? फॉर स्पॉइलिंग. स्पॉइलिंग मीन्स टू मैस अप. जीनी को हम याद करते हैं कि वो हमारी विशेस पूरी करता है, जैसा हमने स्टोरीज में सुना है. बट दिस पर्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. ये जीनी फिर किस लिए फेमस था? कि ये चीज़ें बिगाड़ देता था, सारे काम बिगाड़ देता था. स्पॉइलिंग मीन्स मैस अप, मीन्स काम बिगाड़ना. व्हेन एवर समवन रब द मैजिक लैम्प, ही वुड कम आउट एंड से, What is your wish? जब भी कोई मैजिक लैम्प रब करता है, वो बाहर निकल के आता है और पूछता है, What is your wish? Then a great cloud of smoke would appear. और क्या होता है? एक धुएं का बहुत बड़ा बादल आ जाता है. Hundreds of things would fly through the air. और बहुत सारी चीज़ें हवा में घूमती हुई दिखती हैं. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. Means, जब किसी को, when somebody wanted something, जब किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई मैजिक लैम्प रब करता है और जीनी बाहर आता है, उसकी विश पूछता है, तो जब कोई चीज़ बताता है, कोई उसको वो चीज़ चाहिए होती है, तो वो चीज़ कैसे आती है? He would bring it covered in so much dust. तो वो जो चीज़ लेके आता है जीनी, वो इतनी डस्ट से कवर होती है कि कोई उसको टच भी नहीं करना चाहता. वो इतनी गंदी होती है, इतनी उसके ऊपर डस्ट लगी होती है कि nobody wanted to even touch it. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. और उसकी इसी बेवकूफ़ियों की वजह से कोई उसको पसंद नहीं करता था. उस मैजिक लैम्प को लेना और उसको रब करना कोई पसंद नहीं करता था. So the genie did not come out for years. Then what happened? किसी ने उस मैजिक लैम्प को रब ही नहीं किया तो जीनी बहुत सालों तक उस लैम्प से बाहर नहीं आ पाया. वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प. एंड वन डे
दिस बॉय पंकज फाउंड मैजिक लैम्प. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी. और उसको क्या सुनाई दिया उस मैजिक लैम्प में से? सैड क्राइज ऑफ जीनी मीन्स जीनी की दुख भरी आवाजें सुनाई दी. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. जब उसने सुना कि जीनी दुखी है, रो रहा है, तब पंकज ने क्या डिसाइड किया? दैट ही विल बिकम हिज फ्रेंड. वो उसका फ्रेंड बनेगा. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वॉज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प. और उसकी विश क्या थी? कि वो इस लैम्प के अंदर जाए और जाके फिर बाहर आए. वो एक बार उस लैम्प में अंदर जाके देखना चाहता था कि क्या वहाँ की पोजीशन है. द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश. बट जीनी तो हैप्पी हो गया. जीनी ने बोला, हाँ ठीक है, मैं आपकी ये विश कंप्लीट कर दूंगा. As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what the genie's problem was. और जैसे ही पंकज ने एंटर किया लैम्प में, उसने क्या पाया? वो समझ गया कि जीनी की क्या प्रॉब्लम है. उसको जीनी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि why people don't like him, लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते. इट was नॉट दैट ही was अ बैड जीनी. ये बात नहीं थी कि वो एक बुरा जीनी था. इट was जस्ट दैट ही was untidy. Untidy means not neat, means गंदा. सिर्फ क्या रीज़न था? कि वो untidy था, साफ सुथरा नहीं था. वो साफ सुथरा नहीं था, प्लस जो उसका लैम्प था उसके अंदर भी कुछ भी नीट एंड क्लीन नहीं था, सब कुछ अनटाइडी था. इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल्स. एंड वॉट डिड पंकज सॉ इन द लैम्प? पंकज ने क्या देखा? कि लैम्प के अंदर सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है, चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो या कैमल्स हो. सी द इमेज. ये सब कुछ सामान जो लैम्प के अंदर है, सब कुछ मैसअप हो रखा है, सब कुछ फैला हुआ है इधर उधर. कोई भी सामान सिस्टमैटिक वे में नहीं लगा हुआ है, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है. इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स. और उस जगह को देख के पता चल रहा था कि इस प्लेस को बहुत सालों से क्लीन नहीं किया गया है. पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप. आप कोई भी चीज उठाएंगे तो क्या मिलेगा? क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल भरा बादल. इतनी ज्यादा डस्ट थी वहां पे कि आप कोई भी चीज पिक करोगे, एक डस्ट का क्लाउड बनके आपके सामने आ जाएगा. पंकज वॉज सरप्राइज्ड. द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड. अपोलोजाइज मीन्स टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मीन्स अपनी मिस्टेक को रियलाइज करना. सो व्हेन पंकज वॉज सरप्राइज एंड जीनी सॉ दैट दिस वॉज हिज फॉल्ट, सो ही फेल्ट अशेम्ड एंड ही अपोलोजाइज्ड. He said that a genie's job was very important and he had no time for cleaning. Then genie ne kya kaha? Ki ek jo genie ka job hai bahut important hota hai aur usko cleaning ke liye time nahi mil pata, isiliye ye sab itna untidy hai. But Pankaj remembered his mother's advice. Lekin Pankaj ko apni mother ki advice yaad thi. He told the genie that it was important to keep all his things in order. In order, in order means as it should be, means जो चीज़ जैसे जिस तरीके से होनी चाहिए उसी तरह से. Then
पंकज को याद था कि उसकी मदर ने क्या एडवाइस किया है उसको। फिर उसने बताया जीनी को कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, कि अपनी सभी चीज़ों को सिस्टमैटिकली रखना, अरेंज करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। ए गुड क्लीन मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग, किसी चीज़ की सफाई करना, उसमें टाइम लगेगा उनको। और उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया कि वो जो जगह है, लैम्प है, उसके अंदर वो पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग करेंगे। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, और उन्हें इस चीज में कुछ दिन लग गए। व्हेन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस। ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग ब्राइटली, चमकदार, चमकना। जब उनका वर्क फिनिश हो गया, क्लीनिंग का उनका सारा प्रोसेस फिनिश हो गया, तब व्हाट डिड दे सॉ कि एवरीथिंग वाज शाइनिंग ब्राइटली और अपनी करेक्ट प्लेस पे है, वो सब चीज़ें चमक रही थी और जिसकी जहाँ प्लेस थी वो वहाँ पे रखी हुई थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. Now it was easy. अब easy था, क्या easy था कि जो चीज़ मांगी गई है, जो wish के लिए कोई चीज़ किसी ने मांगी है, सिर्फ वो ही चीज़ उठा के दे दी जाए और कोई और चीज़ भी आपकी टूटेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ अपनी करेक्ट प्लेस पे रख दिया गया था। Now see this picture. Everything is at its proper place and it is shining. And so the genie begin to be respected and liked once more. And after that, genie begin to be respected and liked. अब genie को लोगों ने respect देना और उसको like करना start कर दिया। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. Achieved. Achieved means to succeed in doing something. किसी चीज को पाने में सफलता प्राप्त करना। He learned that nothing great can be achieved. अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ भी बड़ा आप अचीव नहीं कर सकते हो किसके बिना, without order एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स, कि जब तक आपकी लाइफ में क्लीनलीनेस ना हो और जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उस ऑर्डर में ना रखी हो। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर स्टोरी अ जीनी हुम नो वन लाइक्ड। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? दैट क्लीनलीनेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप टाइम मैनेज कीजिए और अपनी थिंग्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखिए, सिस्टमैटिक रखिए और उनको क्लीन रखिए। उससे क्या होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको प्रेज करना स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर अ जीनी हुम नो वन लाइक्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।